अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडेर रेजनिक वॉल्कर का 10th एडिशन है, चैप्टर नंबर 6 है, फोर्स एंड द मोशन 2, प्रॉब्लम नंबर 32 है। अब वो कहते हैं एक ब्लॉक को हम पुश कर रहे हैं अक्रॉस द फ्लोर और फोर्स डाउनवर्ड लग रही है थीटा, यानी डाउनवर्ड है। एक्सेलरेशन बताना है, एक्सेलरेशन और कनेटिक फ्रिक्शन का ग्राफ दिया गया आपको। इसमें मुख्तलिफ वैल्यूज दी गई है, A1 दे दिया गया है और म्यू के 2 दे दिया गया है और म्यू के 3 दे दिया गया है, ठीक है। वैल्यू ऑफ थीटा हमसे पूछा जा रहा है किस एंगल पे वो फोर्स लग रही होगी। तो जनाब वाला, अब आपके पास मामलात क्या हैं कि आप कह सकते हो कि आप फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाते हैं, ये आपको कंसेप्ट दिखाया जा रहा है कि फोर्स आपकी डाउनवर्ड थीटा लग रही है, फ्रिक्शन इधर होगा, तो इस फोर्स को अगर हम ओरिजिन के लिहाज से एडजस्ट करते हैं तो वो इस तरह के मामलात आ जाएंगे। नॉर्मल अपवर्ड होगा, वेट डाउनवर्ड होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर होगी, फोर्स नीचे आएगी। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे लगने वाली फोर्सेस, एक्स एक्सिस पे एस एफ के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एफ कॉस ऑफ थीटा इस जानी आ जाएगा, ये एफ नेगेटिव आ जाएगा। तो एफ कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, एफ नेगेटिव, एफ के नेगेटिव होगा तो ये एम ए के बराबर आ जाएगा। एफ के को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू के एफ एन, तो वो वैल्यू अब हम यहाँ से एफ एन चुकाइए। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग जो फोर्सेज लगेंगी, तो अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, तो एफ एन माइनस एफ साइन थीटा, ये इसका जो कंपोनेंट आएगा डाउनवर्ड, और इसका वेट डाउनवर्ड होगा तो माइनस एम जी, ये एफ एन की वैल्यू आ गई। इस एफ एन की वैल्यू को इस जगह पे क्या किया जा सकता है, प्लेस किया जा सकता है, तो वो आपके पास प्लेस कर दिया हमने इस जगह पे। यहाँ से ए निकाला जा सकता है, ए बराबर आ जाएगा, ये सारा फैक्टर एम डिवाइड करेगा, दूसरी तरफ जाके चीजें थोड़ी सी एडजस्ट करके लिखेंगे तो ये टूल आ जाएगा कि एफ बाई एम कॉस थीटा माइनस म्यू के साइन थीटा माइनस म्यू के जी के तौर पर। अब ग्राफ से जो सिचुएशन हमें हासिल होनी है, जब म्यू के जीरो है तो ए ए वन के बराबर है, यानी म्यू के जीरो है तो ए वन थ्री है, वो वैल्यूज हमने इस जगह पे प्लेस कर दी। म्यू के की जगह जीरो लगा दिया, ए की जगह थ्री लगा दिया, इस सारे से हमें एफ बाई एम कॉस थीटा हासिल हो जाएगा जो कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, आप देख सकते हैं। फिर इसी तरीके से अगली सिचुएशन क्या है, जब आपके पास एक्सेलरेशन जीरो है उस वक्त म्यू के की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यही हमने कहा कि जब आपके पास एक्सेलरेशन जीरो है तो म्यू के की वैल्यू 0.20 है, वो उसने हमें दे दी थी कि म्यू के 2 कितनी है, 0.20 है, तो वो वैल्यू अब हमने यहाँ पे प्लेस कर दी। जब एक्सेलरेशन जीरो कर दिया, म्यू के की वैल्यू लगा दी, तो ये एफ बाई एम साइन थीटा आ जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई, इसको अगर हम डिवाइड करते लेफ्ट साइड को, राइट साइड को, तो यहां से tan थीटा 1.73 आ जाएगा, tan इनवर्स उठाएंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, तो इसका मतलब फोर्स 60 डिग्री लग रही थी इंक्लाइंड आपके पास। तो ये जनाब हमारे पास सॉल्यूशन, अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।